पीटा ब्रेड बनाने के लिए हम लेंगे 6 कप मैदा, 2 चम्मच तेल, 3 चम्मच मिल्क पाउडर, नमक एस्पर्टेस्ट, 2 चम्मच ईस्ट और शुगर 3 चम्मच। अब हम मैदे को एक बड़े बर्तन में खाली कर देते हैं जिसमें हम अच्छे से आटा गूंद सकें। अब हम इसमें सारी चीज़ें मिलाते हैं, पहले नमक, फिर मिल्क पाउडर, फिर शुगर, उसके बाद ईस्ट। अब हम सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गूंदने से पहले हमें ये सब मिक्स करना है और अब हम पानी और तेल की मदद से ये आटा गूंदेंगे, इससे ये काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। अब हमने मैदे को अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम ये डो रखने के लिए एक बोल लेंगे और उसे अच्छी तरह से ऑयलिंग कर देंगे ताकि ये बिल्कुल चिपके ना। अब डो हम इसमें डाल देते हैं। इसमें डालने के बाद हमें इसे फिर से ऑयलिंग करनी है। यह हमारी ऑयलिंग कंप्लीट होती है। हमें इसे झाँक कर रखना है एक वार्म प्लेस पर कम से कम 1 घंटे के लिए। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है तो हम इसे खोल लेते हैं। देखिए काफ़ी फ्लफी हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे और इसे हम एक बार फिर से गूंद लेंगे ताकि इसके सारे बबल्स निकल जाए। तो अब सारे बबल्स निकल चुके हैं। अब हम फिर से एक बार मैदा लेंगे और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं करना है, बस एक कोटिंग तैयार कर देनी है। अब हम एक पैन पर अच्छी तरह से ऑयलिंग करेंगे। हमें गूंदे हुए आटे से जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही रोटी बनाना है। देखिए मैंने काफ़ी नॉर्मली रोटी बनाई है जैसे हम डेली बनाते हैं और अब हम इसे पैन पर डाल देते हैं। हमें इसकी दूसरी तरफ भी ऑयलिंग करनी है। हम एक बार फिर से ऑयलिंग करेंगे। अब हम इसे पलटते हैं। ये काफी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब आप इसमें शवरमे की स्टफिंग डालिए और मज़े से खाइए। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। ये शवरमा में काफ़ी टेस्ट इन्हांस कर लेता है। आप इसे ज़रूर बनाइए। थैंक यू।